और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में आज चंद्रबाबू नायडू जो है सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन कल्याण बन सकते हैं डिप्टी सीएम। ओडिशा में मोहन मांझी भी शपथ लेंगे, पीएम मोदी दोनों शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। टीडीपी और बीजेपी की साथ ही पवन कल्याण के पार्टी भी इसमें शामिल है और पहली बार पवन कल्याण की पार्टी के दो सांसद बने हैं। और अब यहां पर एक बड़ी जीत भी, जो विधानसभा के चुनाव आंध्र प्रदेश में हुए थे पवन कल्याण की पार्टी ने हासिल की थी। आज चंद्रबाबू नायडू, आपको बता दें कि टीडीपी के जो मुखिया है चंद्रबाबू नायडू, वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ओडिशा में मोहन मांझी भी शपथ लेंगे और पीएम मोदी आज ओडिशा भी जाएंगे लिहाजा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। इसके साथ साथ जो ओथ सेरेमनी आंध्र प्रदेश में होगी वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। समारोह में आज आपको बता दें कि आरपीए में मुख्यमंत्री भजन लाल भी शिरकत करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें कि सेरेमोनियल परेड की सीएम सलामी लेंगे, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को जो है पुलिस पदक प्रदान करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, यह बड़ी खबर जहां पर राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह। और आयुषी बड़ी बात यह है कि 3 दिन तक ये पुलिस दिवस कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान लगातार आयोजित होते रहे और आज भी जो उत्कृष्ट काम जिन पुलिस वालों ने किया है उनको सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल, और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नागौर में चुनाव तो समाप्त हो गया लेकिन नेताओं के बीच तल्खी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव के बाद पहले हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्जा पर जो है वो तंज कसा। तो ज्योति मिर्जा हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधती हुई नजर आई, क्या कुछ हुआ है दोनों के बीच, ये रिपोर्ट देखिए। एक घोड़े और मैदान, तो जब तक एक घोड़ा मर ही जाएगा। जितने एक्शन बयान दिए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है लेकिन नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। चुनावी रस्साकसी के दौरान जहां ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तो वहीं अभी भी ये जुबानी जंग खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये चर्चा चलने लगी कि अब ज्योति मिर्धा वापस नागौर नहीं आएगी, लेकिन ज्योति मिर्धा नागौर आई और लोगों से मुलाकात भी की, इस दौरान जनसुनवाई भी की और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मरते दम तक नागौर में घोड़े और मैदान की लड़ाई जारी रहेगी। घोड़े और मैदान, तो जब तक एक घोड़ा मर नहीं जाएगा। इनको जितना इनको लगता है ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल किसी तरीके से घालमेल करके बीजेपी में घुसना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड बिका हुआ है, उनको कहते ना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं इनके छाती पे मूंग दड़ने का काम अपन करेंगे आने वाले। और ये जितने अनशन बयान दिए, कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़ के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी क्या फालतू होगा? कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो, और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुडाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ज्योति मिर्धा के तंज कसने के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा को इलाज कराने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 MLA बनाए, MLA बना, इंडिया अलायंस कांग्रेस मेरे पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूँ सत्ता के खिलाफ, इसकी तरह नहीं हूँ मैं, इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिलहाल नेताओं के बयानबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली है और हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की जुबानी जंग ऐसे ही सामने आती रहेगी।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह आज है। आपको बता दें कि आरपीएफ में सीएम बजल्ला शिरकत करेंगे, सेरेमोनियल परेड की मुख्यमंत्री सलामी लेंगे और साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को भी पुलिस पदक प्रदान करेंगे। तो बड़ी खबर, पुलिस स्थापना दिवस राजस्थान का मनाया जा रहा है और आज खास तौर पर आरपीए में समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। सेरेमोनियल परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो देखिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को जो है वो पुलिस पदक भी आज सीएम भजन लाल प्रदान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस समारोह है जिसमें सीएम भजन लाल शिरकत करेंगे।